हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जलना टॉक्स का एक और नया एपिसोड लेके आया हूं। और इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, हमारा मुद्दा ये होने वाला है कि सर मैं पढ़ तो बहुत रहा हूं, मैं सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे को वो आउटकम नहीं मिल रहा है, वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं करूं क्या? ये आज का फ्रेंड्स हमारा मुद्दा होने वाला है। तो देखो फ्रेंड्स, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल नेचुरल चीज है, ये हर किसी के साथ होता है। ये मेरे साथ भी होता था और हो भी रहा है, ये आपके साथ भी होता है, होता रहेगा। ठीक है, क्या हो रहा है? तो फ्रेंड देखो, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि मैं मानता हूं कि आप पूरे पूरे दिन भर पढ़ रहे हो, लेकिन क्या सही में आप पढ़ रहे हो? आपको लगता है रियल में कि आप लोग पढ़ रहे हो? है ना, आप खुद बैठ के सोचो कि आप पूरे दिन में कर क्या रहे। अगर आप सही से मेहनत कर रहे होते तो डेफिनेटली आपका पेपर निकल गया होता, कहीं तो कुछ कमी रहेगा होगी कि जिसकी वजह से आपका एग्जाम नहीं निकलना। या दूसरे लोग क्या कर रहे हैं जिनका निकल जा रहा है और आप लोग नहीं कर रहे हो, जिनका जिसकी वजह से नहीं निकल पा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। आज की डेट में जिसके पास इंटरनेट है, जिसके पास एंड्रॉयड फोन है या एप्पल भी हो, कुछ लोग रही होंगे उनके पास एप्पल का फोन भी हो सकता है, कुछ लोग लैपटॉप भी हो सकता है, तो कुल मिला के अगर आज के डेट में आपके पास एक ठीक ठाक इंटरनेट है और ठीक ठाक मोबाइल है तो हर कोई पढ़ रहा है। ठीक है, ये बात मान के चलो कि केवल आप ही नहीं पढ़ रहे हो, सब कोई पढ़ रहा है, हर कोई पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही है कि आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो। आप लोग 100% मेहनत कर रहे हो, 200% मेहनत कर रहे हो। बात यह है कि निकल क्यों नहीं रहा है, हम ऐसा क्या कर रहे हैं? तो देखो, मैं आज आपको एक वजह बताऊंगा और चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे बड़ी चीज तो क्या है कि आप लोग पढ़ कैसे रहे हो, आपको जज करना है खुद को कि आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो। या आपके साथ ये होता होगा, सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता था। मैं मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ने बैठा, पढ़ते पढ़ते दिमाग में क्लिक करा यार क्लासिकल मैकेनिक्स रह गई, छोड़ा मैथमेटिकल, लपक लिया क्लासिकल मैकेनिक्स को। क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ते पढ़ते दिमाग चला गया क्वांटम मैकेनिक्स में, अरे यार क्वांटम मैकेनिक्स का तो वाला टॉपिक रह गया, उसको कैसे करूं, बहुत टेंशन हो रहा है, क्वांटम मैकेनिक्स में मेरा क्या होगा, ये होगा वो होगा, उसके चक्कर में क्लासिकल को छोड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स को लपक लिया। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते पढ़ते ध्यान आया, अरे यार एटॉमिक फिजिक्स में भी मेरे को कुछ देखना था, ये करना था, क्वांटम मैकेनिक्स को समझ में नहीं आ रही, इसको छोड़ो। फिर आप एटॉमिक फिजिक्स की तरफ चले गए, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आपको कोई और सब्जेक्ट याद आ गया। मतलब कुल मिला के आपने 2 घंटे की पढ़ाई करी, आपने 2 घंटे स्पेंड कर दिए पढ़ाई करने में, लेकिन क्या 2 घंटे आपने पढ़ाई करी? नहीं, आपने 2 घंटे की पढ़ाई नहीं करी, आप तो इस बुक से उस बुक में, उस बुक से उस बुक में, इस बुक से इस बुक में ही करते रह गए। 15 मिनट ये देखा, 15 मिनट वो देखा, 15 मिनट वो देखा, 2 घंटे निकल गए, काम खत्म, उसके बाद खाना खाने का समय हो गया या थोड़ा टीवी देख लिया, देन उसके बाद फिर से वही चीज, आपने मैथमेटिकल उठाई, फिर यार इसमें तो ये आता है, दूसरा पढ़ लिया, अरे यार इसमें भी ये कर लूंगा ये हो जाएगा, इसमें भी ये कर लूंगा ये हो जाएगा, फिर आपके 2 घंटे और निकल गए। लास्ट में सोते सोते आपने सोचा यार कल से पढ़ाई करूंगा। तो ये चीजें आप लोगों के साथ हो रही है, मतलब आप टाइम भी खर्च कर रहे हो अपना, आप लोग पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हो लेकिन आपने पढ़ाई नहीं करी, ये आप आता मान लो। ठीक है, तो एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह फ्रेंड्स ये है कि आप टफ टॉपिक को तो ज्यादा समय दे रहे हो, लगे पड़ो टफ टॉपिक के पीछे, इजी टॉपिक को आपने नेग्लेक्ट कर रखा है। कैसे नेग्लेक्ट कर रखा है? अभी आप खुद ही देखो, अगर मैं WKV मेथड, पर्टरबेशन थ्योरी, वेरिएशनल मेथड, फेज स्पेस डायनेमिक्स या क्या बोलते हैं लेजर के ऊपर, अगर मैं इतने बड़े बड़े टॉपिक्स के ऊपर यूट्यूब पे एक वीडियो डाल दूं ना, उस पर टूट पड़ेंगे लोग, बिल्कुल भीड़ टूट पड़ेगी। क्यों? वो नाम में वजन है, WKV नाम में ही वजन है, वेरिएशनल मैटर नाम में वजन है। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे WKV के, आज से आपने वेरिएशनल मैटर के ऊपर हजारों वीडियो देख लिए होंगे, आपको क्वेश्चंस करने भी आ गए, मानो या ना मानो WKV मैटर के भी क्वेश्चन बना रहे हो, वेरिएशनल मैटर के भी क्वेश्चन बना रहे हो, पर्टरबेशन के क्वेश्चन भी आपसे हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर मैं एक वीडियो और डाल दूं आप फिर देखने बैठ जाओगे। क्यों? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? टफ टॉपिक है, देखना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं वेक्टर कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस या क्लासिकल मैकेनिक्स का लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन या क्या बोलते हैं MI निकालना सिखाऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या मान लीजिए मैं आपको कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वीडियो डाल दूं, या आपका W या क्वांटम मैकेनिक्स में LS कपलिंग डाल दूं, आप नहीं देखोगे, नहीं देखोगे। क्यों? आपके दिमाग में एक मैसेज गया,
सिग्नल आया, अरे यार इजी टॉपिक है देख लेंगे। आपने वीडियो को नहीं देखा, मतलब मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा, आपने बुक, आप पढ़ते भी ऐसी हो, ठीक है। अरे वेक्टर, आपने बुक उठाई, अरे वेक्टर कैलकुलस ऐसे तो मैं पेपर के समय पढ़ लूंगा इजी है, अरे यार इंटीग्रल ऐसे तो पेपर के समय पढ़ लूंगा इजी है, अरे यार ये तो लैग्रेंज ये तो मुझे आता ही है 10 बार कर लिया, ऐसे भी मैं कर लूंगा। तो ये इसमें आपने इजी टॉपिक छोड़ दिए। WKB में और प्रिपरेशन में लगे रहे, वहां पे भी टाइम खाया, यहां पे इनको छोड़ दिया। अब जब एग्जाम टाइम आता है तो इजी भी नहीं हो पा रहे, टफ तो हमसे आते ही नहीं, ठीक है, तो हो गया मामला खराब। तो अगर आप आज इजी टॉपिक को नेगलेक्ट करोगे ना, तो इजी टॉपिक आपका एग्जाम में नेगलेक्ट कर देगा, लिख के ले लो, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तैयारी ऐसे करो कि टफ भी करो और इजी टॉपिक्स को भी आप पैरेलल लेके चलो, ठीक है। आप, मैंने क्या बोला, WKB के भी क्वेश्चंस कर लोगे, प्रिपरेशन के भी क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि आपने वो बहुत पढ़ रखा है ना। अभी मैं वीडियो डाल दूंगा, आप उसको भी देख लोगे। लेकिन वहीं पर अगर वेक्टर कैलकुलस, इंप्रॉपर इंटीग्रल्स या लैग्रेंज और हैमिल्टोनियन क्वेश्चन आ गए, आपसे नहीं होगा एक बारी में, क्यों, आपने उनके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर रखी। समझ में आ रही है बात? तो ये चीज आप खुद से पूछो ना, क्या आप सही में ऐसा कर रहे हो? डेफिनेटली आंसर आएगा यस, मैं ऐसे ही करता हूँ। इजी टॉपिक को हमने बहुत ही लाइटली ले लिया है ना। हम, अगर मैं देख रहा हूँ ना, अगर मैं यूट्यूब पे वेक्टर कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, मैंने उसमें ऐसे ऐसी चीजें पढ़ा दी हैं, लोगों ने नहीं देखा, ठीक है, नहीं देखा। वहीं पे मैं क्वांटम मैकेनिक्स की वीडियो डालता हूँ, लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि आपको चाहिए क्या, आपको पढ़ना क्या चाहते हो। देखो पेपर में दोनों चीजें आएंगी, इजी क्वेश्चन भी आएगा, टफ क्वेश्चन भी आएगा, है ना। तो आपको दोनों के ऊपर कमांड करनी है और अच्छे से बैठ के पढ़ाई करनी है। अगर आप मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ने बैठे हो तो मैथमेटिकल फिजिक्स ही पढ़नी है। दिमाग बोलेगा आपसे कि क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ ले, दिमाग बोलेगा आपसे क्लासिकल उठा ले, दिमाग बोलेगा आपसे एटॉमिक फिजिक्स पढ़, लेकिन आपको तो मैथमेटिकल फिजिक्स ही पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? इसको आप नोट करो, ठीक है। मैं सही बता रहा हूँ, ये बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड जो है ना खेलता है हमारे साथ, इमोशन के साथ खेलता है हमारे, ठीक है। और हमको लगता है कि यार आज मैं सुबह 9 बजे से मैंने 12 बजे तक पढ़ाई करी, और एक्चुअल में पढ़ा आपने नहीं पढ़ा, है ना। आप, और जब से इंटरनेट का जमाना है, आप पढ़ने बैठे भी तो कोई नोटिफिकेशन आ गया यूट्यूब का, या कोई व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, या कोई फेसबुक का मैसेज आ गया, बस आप लग गए पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपनी, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप पढ़ाई तो कर रहे हो, पूरे पूरे दिन बैठ के पढ़ रहे हो, पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ रहे हो, बस यही दिक्कत है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो। इजी टॉपिक आप कर नहीं पा रहे हो, टफ टॉपिक की वजह से आपका काम खराब हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन चीजों के पीछे आप लोग मत पढ़ो, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, इन चीजों के पीछे आप लोग मत पढ़ो, ठीक है। आप लोग अच्छे से फ्रेंड यहाँ पर अपनी पढ़ाई करो। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा जनरल टॉक्स, मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेट बना के आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।